Hello and welcome back. We have finished the explanation of chapter 3, metals and non-metals. Chapter 3, metals and non-metals, pura explain kar diya gaya hai. Maine aapke saath kuch questions and answers discuss kiye hain jo aapki NCERT book mein hain. Uske alawa, aaj main aapko kuch extra questions dene ja rahi hoon. Extra questions, jo questions aapke exercise mein nahi hain, lekin bahut important hain, jo कंसेप्ट बिल्डिंग जो आपने समझी है, जो कंसेप्ट आपने समझा है इस लेसन में, उसके बेसिस पे है. तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के होंगे, और डिपेंड कि आपको कितना लिखना है. इफ़ इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन, ये शायद एक वर्ड का आंसर हो सकता है या एक सेंटेंस का आंसर हो सकता है. सो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ती जाऊँगी या आपको देती जाऊँगी, आपको मैं बता दी जाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन. जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप का ऑक्साइड बनता है. उनके पूछने का मतलब है जो ऑक्साइड बनता है, मेटालिक ऑक्साइड, उसका नेचर कैसा रहता है. नेचर होता है उसका बेसिक नेचर. मेटल ऑक्साइड जब भी बनते हैं, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. मैग्नीशियम मेटल है, अगर मैं उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका नेचर कैसा है. सो नेचर जानने के लिए अगर हम उसको पानी में मिक्स करें, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में मिक्स करूं तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. सो आप देख सकते हैं कि हाइड्रो ऑक्साइड जो आयन है, इसको देख के ही अंदाज लगा सकते हैं कि ये तो बेसिक नेचर का बना. सो द ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म्ड बाय मेटल्स आर बेसिक इन नेचर. अगर मैं आपको आगे क्वेश्चन पूछूं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया, अगर इससे एडिशनल पूछूँ कि हाउ विल यू प्रूव इट, तो आपको ये लिखना है कि इफ़ वी टेस्ट विद रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, हमें दिखेगा कि जो रेड लिटमस पेपर है, अगर मैं इसमें डुबाऊं तो वो ब्लू बन जाता है, और ब्लू को कुछ नहीं होता है. सो दिस प्रूव्स दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड, इट इज़ बेसिक इन नेचर. दूसरा क्वेश्चन है, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट. ये क्वेश्चन साधारण लगभग आपके एक्सरसाइज जैसा ही है. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये जो मेटल्स हैं ये डाउन द सीरीज रहते हैं, बिल्कुल अनरिएक्टिव रहते हैं, इसीलिए जनरली फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं. नेम टू मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो जितने भी मेटल्स हैं उनमें बेस्ट कंडक्टर्स होता है सिल्वर एंड कॉपर. अब ज़्यादातर आप कॉपर देखेंगे क्योंकि सिल्वर महंगा पड़ता है वायर्स बनाने के लिए, इसीलिए कॉपर ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सिल्वर एंड कॉपर आर वेरी गुड, वेरी बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. अगला क्वेश्चन, नेम अ नॉन मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट. ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है. सो आपने देखा कि मैक्सिमम गैसेज रहते हैं, कुछ सॉलिड रहते हैं, और लिक्विड में ब्रोमीन एक एग्जाम्पल है. BROMINE, ब्रोमीन एक एग्जाम्पल है जो लिक्विड स्टेट में है. एंड नेम अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट नॉन मेटल ब्रोमीन, लिक्विड स्टेट मेटल मर्क्यूरी. सो उन्होंने क्वेश्चन एक को, दो क्वेश्चन को एक में मर्ज कर दिया है. नेम द लिक्विड विच इज मेटल एंड नेम द लिक्विड विच इज नॉन मेटल. सो मेटल के आंसर में है मर्क्यूरी एंड नॉन मेटल के आंसर में है ब्रोमीन. नेम द नॉन मेटल विच इज लस्टरस. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि लस्टर या शाइन नॉन मेटल्स में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है कि कौन सा नॉन मेटल लस्टरस होता है या शाइन करता है. सो उसका आंसर है आपको आयोडीन. आयोडीन एक नॉन मेटल है जो ऐसे शाइन करता है, लस्टर देता है. ओके, नेम टू मेटल्स विथ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. ऐसे दो मेटल्स बताइए जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है. इसी क्वेश्चन को और बढ़ाते हुए, नेम टू मेटल्स विच कैन इवन मेल्ट ऑन योर पाम. मतलब आपके बॉडी हीट से भी वो मेल्ट हो सकते हैं. ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं.
सो इन दोनों के एग्जांपल्स हैं गैलियम एंड सीजियम. हमने ये एक्सेप्शंस पार्ट में पढ़ा था. गैलियम इज अ मेटल एंड सीजियम इज आल्सो अनदर मेटल व्हिच हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट कैन इवन मेल्ट ऑन योर पाम. हमारे हाथों पे रखेंगे तो भी वो मेल्ट हो सकता है. अगला क्वेश्चन है नेम टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. अब कार्बन जो होता है वो मेटल क्या नॉन मेटल? नॉन मेटल. कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है. सो नॉन मेटल के जैसे हमने बोला कि नॉन मेटल गैशियस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है जैसे ब्रोमीन, सॉलिड भी होते हैं. अब उन सॉलिड में कार्बन सबसे कॉमन एग्जांपल है और उसके दो फॉर्म्स या दो एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो है डायमंड एंड ग्रेफाइट. ये दोनों फॉर्म्स एलोट्रॉप्स कहलाते हैं कार्बन के. अगला क्वेश्चन है नेम टू मेटल ऑक्साइड्स विच आर सॉल्यूबल इन वाटर. अब हमने देखा कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, कोई भी दो मेटल ऑक्साइड्स बनाइए और बताइए कि वो जो इजीली सॉल्यूबल इन वाटर हैं. तो बेस्ट एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड पानी में बना के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है एंड पोटेशियम ऑक्साइड पानी में मिल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कलीज. ये दो जो हैं नॉन जो मेटल ऑक्साइड्स हैं इनको अगर मैं पानी में मिक्स करूं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली बनाते हैं. अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट दैट सोडियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड वेयर एज एल्यूमिनियम फॉर्म्स ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्वेश्चन का मतलब है कि सोडियम जब हम हीट करते हैं या ऑक्सीजन से वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एल्यूमिनियम जो है अगर हम उसको पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो वो सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो स्टेप्स हैं. जब सोडियम को हम हीट करते हैं या हम पानी से रिएक्ट करते हैं, हीट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव मेटल है. सो सोडियम को जब हम पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो पहले वो सोडियम ऑक्साइड बनता है. ये सोडियम ऑक्साइड सॉल्युबल होता है पानी में इसलिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. लेकिन एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन पार्ट से रिएक्ट करता है और वो ऑक्साइड बनाता है पहले तो. लेकिन ये जो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता. इसीलिए जब हम सोडियम को पानी से रिएक्ट करवा रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम को पानी से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑक्साइड मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं मिल रहा है. मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद हॉट वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग. एक्सप्लेन. इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो मार्क्स होते हैं. जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. ये आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कैल्शियम कैन रिएक्ट विद नॉर्मल वाटर बट मैग्नीशियम कैन नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट रूम टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स हॉट वाटर. उसको हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन दिखाने के लिए. सो जब रिएक्शन होता है मैग्नीशियम का सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन भी बनता है. लेकिन इतनी हीट इवॉल्व नहीं हो पाती है कि वो हाइड्रोजन को बर्न कर दे. सो इन टर्न क्या होता है, वो जो हाइड्रोजन है वो पूरा मैग्नीशियम के आसपास सराउंड कर देता है और उसको फ्लोट करवाता है. मेरा कहने का मतलब है कि मेटल एंड वाटर और मेटल एंड वाटर फर्स्ट फॉर्म्स ऑक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन. और ये हाइड्रोजन जो होता है अगर वेरी रिएक्टिव मेटल है तो बर्स्ट हो जाएगा. सो मैग्नीशियम प्लस वाटर जो बनाता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन बनाता है और ये हाइड्रोजन वो मैग्नीशियम पीस को पूरा सराउंड कर देता है और उसको फ्लोट करवाता है. अगला क्वेश्चन है व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड्स. अब आयोनिक बॉन्ड्स तब बनते हैं जब व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद अ नॉन मेटल. एक मेटल जब दूसरे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल टू नॉन मेटल उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड्स. सो इस तरह से आयोनिक बॉन्ड बनते हैं. तो आप लिखते समय आप ये लिख सकते हैं बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. सो जहाँ ट्रांसफर हो रहा है वहाँ आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है.
अगला क्वेश्चन है विच ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बाय कैल्सिनेशन। अभी हमने कैल्सिनेशन वर्ड कहाँ पढ़ा है? हमने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम जो ओर्स यूज़ करते हैं वो ओर अगर वो कार्बोनेट ओर है तो हमें उसको ऑक्साइड ओर में चेंज करने के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। सो ये हो सकता है जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, जो मिडिल ऑर्डर सीरीज में मिलते हैं मेटल्स, उनके बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज्ड टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब हम एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से। अब क्वेश्चन ये है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल कैसे लाया जाए। सो मेटल तब ला सकते हैं जब हम उसको रिड्यूस करें, तो रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट या तो कोक हो सकता है या हाईली रिएक्टिव मेटल हो सकते हैं। जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं उससे कोई हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो वो उसको रिड्यूस कर सकता है। सो योर आंसर इज कार्बन और कोक और एनी अदर हाईली रिएक्टिव मेटल। अगला क्वेश्चन है गिव वन यूज ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब जब हम कोरोजन के बारे में बात कर रहे थे तब मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। तीन टेस्ट ट्यूब्स में हमने नेल रखा था, आयरन नेल या कीला। एक टेस्ट ट्यूब में हमने पानी और हवा दोनों थे उसके पास। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने पानी के ऊपर एक सतह लगा दी थी ऑयल की। और तीसरे टेस्ट ट्यूब में हमने रखा था नेल, आयरन नेल रखा था लेकिन नीचे कैल्शियम क्लोराइड रखा था। ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसको हम कहते हैं ड्राइंग एजेंट। ये पूरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है सो इसलिए इसको कहा जाता है ड्राइंग एजेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अमैलगम। अब अमैलगम वर्ड जब भी आए तो आप याद रखिए कि ये मर्क्यूरी से रिलेटेड है। तो जब हम एलॉय करते हैं, एलॉय बनाते हैं, मतलब जब हम कोई होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं मेटल्स का, ऑफ वन और टू मेटल्स और टू और थ्री मेटल्स, तब हम उसको कहते हैं एलॉय। जैसे स्टेनलेस स्टील बन जाता है, ब्रास बन जाता है। अब ये दो या तीन मेटल में से अगर एक मेटल मर्क्यूरी हो तो हम उसको कहते हैं अमैलगम। सपोज मैं सिल्वर आर्टिकल्स बना रही हूँ, ठीक है, और सिल्वर आर्टिकल्स को मुझे अमैलगम करना है मर्क्यूरी के साथ। तो सिल्वर एक हो गया और मर्क्यूरी एक हो गया, तो दो मेटल्स में से अगर एक मेटल मर्क्यूरी है तो हम उसको कहते हैं अमैलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोल्डर। ये हमने एलॉय के पार्ट में पढ़ा था। सोल्डर इज अ मिक्सचर और एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, लेड एंड टिन। अगला क्वेश्चन है नेम अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन मैंगनीज फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को मुझे अगर रिड्यूस करना है तो मैं एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकती हूँ। इन्होंने पूछा है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आप कर सकती हैं यूज। सो हम ये मैंगनीज डाइऑक्साइड से, मैंगनीज से ऊपर के जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम ले सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल एग्जांपल है एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम मैंगनीज के ऊपर रहता है इसलिए इट कैन बी यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगला पूछा है गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसका कॉन्फिगरेशन हुआ 287। जब हमें सिर्फ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिखाना है या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है तो हमें दिखाना है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो मैं सिर्फ Cl लिखूंगी, उसके आसपास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एटम। अब मैं चाहूंगी कि आप बताओ या आप सोचो क्लोरीन आयन का कैसे बनेगा। अब क्लोरीन आयन बोलेंगे या क्लोराइड आयन, जब वो आयन बन जाता है तो हम ये क्लोरीन वर्ड ये एन निकाल के यहां पर डी ई लिखेंगे। सो ये हो जाता है क्लोराइड आयन। एटम के टाइम पे क्लोरीन बोलते हैं, जब आयन बनता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोराइड। तो ये हम दिखा सकते हैं इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके ओरिजिनल। अब इसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी वो डॉट स्ट्रक्चर लेके ऐसे करके
हम उसको दिखा सकते हैं, ये है क्लोराइड आयन. ये जो माइनस साइन है, इट हैज़ गॉट एन एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज मिला है उसको. कैसे मिल गया नेगेटिव चार्ज? बिकॉज उसने एक किसी से एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, दैट इज इट हैज़ गेन्ड सम इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे? ऑक्सीजन का है एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6. सो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन बनाइए ओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे दिखा सकते हैं. ये हो गया एटम. अगर मुझे दिखाना है कि आयन कैसे बना, तो मैं ये दिखाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ से कहीं से उसने 2 लिए, -2. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट? अब ये कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड से अलग हैं. आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे दो लोग अपना टिफिन शेयर करते हैं, दो लोग अपने बुक्स शेयर करते हैं, वैसे दो एलिमेंट्स अपने आयन्स या अपने चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. व्हेन दे शेयर द इलेक्ट्रॉन, यहाँ कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो शेयर कर रहे हैं. तो जब शेयर करते हैं तब उसको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, या कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है वो कोवेलेंट कंपाउंड. सो कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, ये क्वेश्चन है. कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ब्रेक करने के लिए. तो उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, हीट एनर्जी मिल जाए, वो आराम से ब्रेक हो जाएंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ टू केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी टू केमिकल प्रॉपर्टीज हमको देखना है, देखते हैं. चलिए, मेटल्स हाउ डू दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन? तो मैंने तो यहाँ बताया आपको एक एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स ऑक्साइड. इसी के साथ अगर मैंने एक नॉन मेटल लिया कार्बन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बना देते हैं. इस ऑक्साइड का नेचर हुआ बेसिक, लेकिन इस ऑक्साइड का नेचर होगा एसिडिक. सेकेंड डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस वॉज दे फॉर्म ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन एंड दे ऑल्सो फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, बट नॉट ऑल. सेकेंड है, इट फॉर्म्स अ बेसिक ऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स द एसिडिक ऑक्साइड. और तीसरा हो सकता है, मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ HCl और एसिड, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस. लेकिन नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विथ एसिड, इट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं. अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस. आपको कुछ चार केस दिए जाते हैं, उसको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई हो जिससे ये चीजें बनी हैं. तो पहला है एल्यूमिनियम फॉइल. हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल किचन में बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, रैप करने के इसमें यूज़ करते हैं, खाना को रैप करते हैं, खाना को उसमें ढक के रखते हैं, तो उसको तब भी यूज़ किया जाता है. तो जब हम बोलते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल बनी कैसे, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ अ मैलिएबल एलिमेंट. मैलिएबिलिटी या मैलिएबल, ये क्या होता है? जब मेटल्स को हम एक पत्रे के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मार मार के उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, एंड एल्यूमिनियम इज अ वेरी मैलिएबल मेटल. अगला है मेटल ज्वेलरी. जब हम मेटल की ज्वेलरी पहनते हैं तो हम कैसे पहन सकते हैं? तो उसमें हम कह सकते हैं वो मेटल डक्टाइल होता है. देन द ज्वेलरी विच इज मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर नॉट रिएक्टिव. देन हम कह सकते हैं वो बहुत लस्टरस होता है, शाइन करता है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं. केबल वायर्स, हमको मालूम है केबल वायर जनरली कॉपर से बनती हैं. क्यों बनती हैं? क्योंकि एक तो वो डक्टाइल है, कॉपर वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, और दूसरा इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और चौथा है बेल. जब घंटा घंटा होती है ना, चर्च में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं, घंटा बजती है. वो जो घंटा बजता है वो क्यों बजता है? क्योंकि एक मेटल दूसरे मेटल को स्ट्राइक करता है. ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं सोनोरस और सोनोरिटी.
सोनोरस होते हैं मेटल्स, इसीलिए एक दूसरे को जब हम स्ट्राइक करते हैं या मारते हैं तो आवाज़ आती है। तो ये प्रॉपर्टी को यूज़ करके घंटे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड नॉट बाय कार्बन? क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एल्यूमिना, मतलब जो एल्यूमिना ऑक्साइड है, जो हमारे पास ऑक्साइड बनता है फाइनली, उसको तो रिड्यूस करना है हमें, तो वो जो एल्यूमिना बनता है उसको एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन नहीं यूज़ करते, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है और कार्बन उस बॉन्ड को अलग नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसको अलग करना पड़ता है। सो इजी आंसर, आंसर इज बिकॉज द कार्बन कैन नॉट ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। वो जो बॉन्ड बनता है बहुत स्ट्रांग होता है। एल्यूमिनियम हैज़ अ वेरी ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, इसलिए कार्बन उसको अलग नहीं कर पाता है। तो इसलिए दूसरा उपाय ये है कि उसको इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसको रिड्यूस किया जाए। अगला क्वेश्चन है, आयोनिक सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। क्वेश्चन का मतलब है, अगर मैं कोई आयोनिक सॉल्ट लेती हूँ, सूखा सॉल्ट लेती हूँ, और उसमें से मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करूँगी तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वही सॉल्ट को, आयोनिक सॉल्ट को पानी में मिक्स करती हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट फटाफट भागने लगेगा, या इट विल फ्लो फास्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो सॉलिड होता है, जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, दे कैनॉट गेट रिलीज्ड। सॉलिड स्टेट में आयोनिक बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ पर उसको पास कोई फोर्स नहीं है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एनर्जी नहीं है जिसको वो कट कर सके। लेकिन यही सॉल्ट जब हम पानी में डालते हैं तो वाटर कैन ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द टू एलिमेंट, मेटल एंड नॉन मेटल। तो जब वो उसको ब्रेक कर सकता है तो वो आयन में बन जाता है, और आयन रिलीज हो गए तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ईजी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग्स द मेटल्स सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम, ये आपको पांच मेटल्स दिए गए हैं, सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कॉपर एंड मैग्नीशियम, नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग। ये सारे मेटल्स आपके सामने रखे गए हैं, ऐसा कौन सा मेटल है जो सिर्फ हॉट वाटर या बॉइल्ड वाटर से ही, बॉइलिंग वाटर से ही रिएक्ट करेगा? तो ये होता है मैग्नीशियम। यहाँ पर आंसर में मैग्नीशियम आंसर है। और आंसर, कौन सा मेटल है विच डज नॉट इवन रिएक्ट विद स्टीम, ऐसा कौन सा मेटल है जो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता है? अब इनमें से जो चॉइस दी गई है उसमें हम कह सकते हैं कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम, कॉपर स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो चॉइस दी गई है उसके हिसाब से हम आंसर बता रहे हैं। नेम अ मेटल फॉर ईच केस, आपको अब तीन केसेस दिए जाएंगे, उनमें आपको सिर्फ मेटल का नाम बताना है। मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट इट रिएक्ट्स विद स्टीम। तो अगर आपको याद है, मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था, आयन इज द मेटल विच रिएक्ट्स ओनली विद स्टीम, IRON, यही एक मेटल है जो स्टीम से रिएक्ट करता है लेकिन कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। नेम अ मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, मतलब किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है, या तो वो आइस बोलो, या आप बोलो पानी, या बोलो भाप। तो कॉपर ऐसा मेटल है जिससे कुछ कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर रिएक्ट नहीं करता है। सो कॉपर इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज सेम है। रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज विच इज अरेंज फॉर मेटल्स फ्रॉम हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी। अगर हमारे पास एक मेटल्स की सीरीज है तो हम उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं? हम उसको अरेंज कर रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मतलब सबसे हाईली रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस सीरीज को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। अगला क्वेश्चन है, स्टेट थ्री पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब ये दोनों वर्ड्स कहाँ आए हैं? जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे थे
तब हमें मालूम चला था कि ओर सल्फाइड ओर भी होते हैं और कार्बोनेट ओर भी होते हैं, और सल्फर और कार्बोनेट को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऑक्सीजन को सेपरेट करना इजी होता है। सो ये बोला गया था कि ये जो ओर्स हैं सल्फाइड ओर, उसको पहले ऑक्साइड में चेंज करो, कार्बोनेट ओर उसको पहले ऑक्साइड में चेंज करो और फिर उसको रिड्यूस करो। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको तीन डिफरेंसेस बताने हैं, कैल्सिनेशन डिफरेंस एंड रोस्टिंग डिफरेंस। ओके, पहला पॉइंट, कैल्सिनेशन आर डन फॉर कार्बोनेट ओर्स, ठीक है, एंड रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। जिस ओर में सल्फाइड होगा उसको हम रोस्ट करेंगे, जिस ओर में कार्बोनेट होगा उसको हम कैल्सिनेट करेंगे। दूसरा डिफरेंस है, कैल्सिनेशन में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, इधर कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो यहां पर एक और तीसरा डिफरेंस भी आता है, रोस्टिंग जो होता है वो बहुत एक्सेस ऑफ एयर में की जाती है, और कैल्सिनेशन जो होती है और जो प्रोसेस होती है वो बहुत कम एयर या नहीं के बराबर एयर में की जाती है। सो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में। आपके क्वेश्चन पेपर में, जैसे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारी आम जिंदगी में क्या हमारे आसपास हो रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक शॉर्ट स्टोरी जैसे बताई जाती है, और उसमें से आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स अभी देती हूँ, आपको आइडिया आएगा कि कैसे लाइफ स्किल क्वेश्चंस या स्किल लाइफ स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ज्वेलर मेड ज्वेलरी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड एंड ऑल्सो चार्ज हिज कस्टमर्स फॉर द रेट ऑफ 22 कैरेट गोल्ड, हिज बिजनेस ग्रू ड्यू टू दिस एक्ट। इसका मतलब शॉर्ट में यह है कि एक जो सोनार होता है या ज्वेलर होता है, उसने एक ज्वेलरी बुलाई 22 कैरेट गोल्ड की, और आपको चार्जेस या आपके आपसे पैसे भी 22 कैरेट गोल्ड के ही लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई कांट ही मेक ज्वेलरी आउट ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, तो वो 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी क्यों नहीं बना सकता। ज्वेलरी तो बन सकती है लेकिन वो शेप वैसा नहीं रहता है, वो मुड़ जाता है। अगर आपने चूड़ी बनाई 24 कैरेट की, आप पहनने जाएंगे वहीं मुड़ जाती है, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है। सो इसीलिए वो इट डजंट रिटेन देयर शेप, इट डजंट रिटेन देयर साइज, और इसीलिए 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, नेम टू मेटल्स दैट कैन बी एडेड टू मेक गोल्ड ज्वेलरी। अब जब हम 22 कैरेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो ऐड किया होगा जिससे वो 24 कैरेट टोटल मिला के बन जाए, तो उसमें कौन से 2 मेटल डाले जाते हैं, कॉमनली कॉपर डाला जाता है या सिल्वर डाला जाता है, दोनों नहीं डाले जाते। तो अगर मैं 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बना रही हूँ तो 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर या 2 पार्ट्स ऑफ सिल्वर। ऐसे इस जैसे ज्वेलर ने 22 कैरेट गोल्ड बनाया या 22 कैरेट गोल्ड को ज्वेलरी में कन्वर्ट किया, तो कौन सी वैल्यू दिखती है आपको इसमें। ज्वेलरी ज्वेलर को ये वैल्यू दिखती है कि उसको मालूम है कि 24 कैरेट गोल्ड से हम अगर कुछ बनाएं तो वो उसका शेप नहीं रहेगा, तो ही नोज हिज बेसिक आइडियाज का कंसेप्ट। दूसरा, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑनेस्ट क्यों है, क्योंकि उसने 22 कैरेट गोल्ड के ही पैसे लिए, 24 कैरेट गोल्ड के पैसे नहीं लिए। अगला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ इको क्लब स्टूडेंट्स कलेक्टेड द एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। मतलब ऐसे इको क्लब बनते हैं, हर स्कूल्स में इको क्लब बनता है या कंजर्वेशन क्लब होता है, तो उन्होंने क्या किया, सब जितने बच्चे एल्यूमिनियम फॉइल लाए थे डब्बों में से, सबके एल्यूमिनियम फॉइल कलेक्ट किए। अब कलेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम फॉइल थी, तो उन्होंने हर बच्चे को बताया कि आप कचरे में एल्यूमिनियम फॉइल डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाई इज एल्यूमिनियम मेटल यूज टू मेक फॉइल। पहली बात तो एल्यूमिनियम मेटल यूज क्यों की जाती है, एल्यूमिनियम इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज वो डक्टाइल है, वो मैलिएबल है, और वो फूड को बहुत ज्यादा देर तक फ्रेश रख सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम मेक इट यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। सो इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर मैं एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज करूँ तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, क्या फायदा है।
Yes, aluminium is a metal. It is a very good conductor of electricity. So, हम इसको wire में use कर सकते हैं. तीसरा, what value of eco club members can you see? ये जो members थे conservation club के, उनको उन्होंने ऐसा क्यों बच्चों को बोला होगा कि ज़्यादा use मत करो, कचरे में मत फेंको? तो उनका ये कहना है कि वो group में काम कर रहे थे, उनको awareness था, वो responsible citizen थे, इसीलिए वो उन्होंने ऐसा काम किया कि बच्चों को समझाया कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन थ्री, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ स्पीच इन द स्कूल असेंबली ऑन हाउ टू मिनिमाइज द यूज ऑफ हैवी मेटल्स. उन्होंने एक प्रोग्राम था स्कूल में जहां पर बच्चों ने ये टॉपिक यूज किया स्पीच के लिए कि हाउ टू मिनिमाइज द यूज ऑफ हैवी मेटल्स. हैवी मेटल्स जैसे यूरेनियम हो गया और जैसे जो न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया जाता है वो मेटल्स हो गए, या मर्क्यूरी हो गया, या कह लो आप कैडमियम होगा, लेड होगा, ये सारे हैवी मेटल्स कहलाते हैं. दे टोल्ड हाउ मर्क्यूरी थर्मामीटर्स व्हेन ब्रोकन एंड थ्रोन अवे लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन. उन्होंने ये भी बताया सपोज कभी थर्मामीटर गिर जाते हैं तो जो मर्क्यूरी होती है वो मर्क्यूरी कचरे में चली जाती है, तो इनडायरेक्टली वो सॉइल में जा रही है, इनडायरेक्टली वो पानी में जा रही है, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस.